नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। सबसे पहले तो सोहड़ा नाम की ये फिल्म है मराठी में, जिसको के डायरेक्ट किया है गजेंद्र अहिरे ने, लिखा भी उन्होंने ही है। और इस फिल्म के जो निर्माता हैं वो बोकाड़िया साहब हैं और सुरेश गुंडेचा जी हैं, मुकेश जैन हैं और मेरे सह कलाकार हैं। मेरे वाइफ का रोल कर रही हैं शिल्पा तुड़स्कर, मेरे फादर का रोल कर रहे हैं विक्रम गोखले, मोहन जोशी भी इस फिल्म का एक बहुत अहम हिस्सा है, वो इस फिल्म में एक वकील का रोल कर रहे हैं। अच्छे अच्छे कलाकार इस फिल्म में जुड़े हुए हैं इस फिल्म से, और एक सेंसिटिव फिल्म बनाने की कोशिश की है गजेंद्र अहिरे ने, जिसका नाम है सोहड़ा, और जिसमें मैं जो किरदार निभा रहा हूँ वो भी बहुत ही सेंसिटिव है। जब आप इसका पोस्टर देखेंगे या आप इसका ट्रेलर देखेंगे तो आपको इस चीज़ का अनुमान होगा कि ये सेंसिटिव कैरेक्टर है और इसकी सेंसिटिविटी किस डेप्थ में है। और जब आप फिल्म देखेंगे तब हो सकता है आप को सिंपथी भी महसूस हो इस कैरेक्टर को लेकर, क्योंकि ये अलग किस्म का रोल मैंने करने की कोशिश की है, क्योंकि मेरे सामने ऐसा रोल लेके आया गजेंद्र, जो कि मैंने इससे पहले कभी ऐसा रोल किया नहीं था। और जो नहीं किया होता है वो करने का आनंद, करने की खुशी बिल्कुल अलग होती है, और जो मुझे मिली इस फिल्म में काम करके, जिसके वजह से मैं बोकाड़िया साहब का, गुंडेचा साहब का और शुक्रगुजार। आपकी क्या सोचती है? आपका कहने का मतलब है जो ओल्ड के रोल होते हैं वो फुल फ्लेज्ड नहीं होते, फुल फ्लेज्ड होते हैं या सेंट्रिक नहीं होते? जंगल में आमिर खान का रोल सेंट्रिक ही था, लेकिन आगे इस फिल्म में भी मेरा रोल सेंट्रिक ही है। समझे, एक्टर ऐसे सोचते हैं कि आगे उसी तरह के रोल उन्हें ऑफर होंगे, तो उस बारे में ऐसा कुछ? देखिए, स्टैंप लगाना इंडस्ट्री का काम है, पिक्चर एक्सेप्ट करना, रोल एक्सेप्ट करना या नहीं करना एक्टर का। तो मेरे ख्याल से इट्स अ विन विन सिचुएशन, इसमें कोई आप फंस जाएंगे या आपको पुलिस पकड़ लेगी या आपको सजा होगी, ऐसा तो कुछ नहीं। आप अगर नया रोल कर रहे हैं, नया किरदार कर रहे हैं, तो अपने ढंग से कीजिए, और उसके बाद अगर आपको ऐसे भी रोल मिलते हैं, ना बोलना आपके हाथ में है और हाँ बोलना भी आप ही के हाथ में है। अगर अच्छा रोल आया उस वक्त मैं फिर अभी मैं उम्र नहीं देखना चाहूँगा अभी, क्योंकि मुझे अभी डुबेट्स गाने हैं नहीं। मुझे आई डोंट वॉन्ट टू रन अराउंड द ट्री एट ऑल, मुझे अभी वो गाने कौन दिशा में लेके चला रहे बट भैया नहीं गाने हैं। मुझे रोल्स करने हैं, मुझे एक्टिंग करनी है, एज एन एक्टर मुझसे जो योगदान होता है वो करने की मुझे कोशिश करनी है। अभी लोग तो उनके समझ में आएगा, फिल्म हमने बहुत जोरों शोर से, बहुत जोश के साथ बनाई तो है, और वो आई होप कि अच्छी भी बनी होगी, बनी ही होगी। मेरे किरदार के बारे में कहूँगी तो बहुत ही ज़िद्दी सी औरत है, और बहुत ईजिली किसी की बात नहीं मानने वाली, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत शिद्दत से अपनी ज़िंदगी जीती है, कोशिश बहुत ज़्यादा करती है। जब उसकी समझ में आता है कि नहीं यहाँ शायद मेरी गलती हो रही है, तो प्यार भी बहुत बहुत शिद्दत से करती है, और बहुत सारी गलतियाँ भी उतनी ही सिंसियरली करती है, इसलिए उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है, परिणाम है, वो भी भुगतती है। सचिन सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये मेरा पहला एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ एक अलग रोल में वो थे, पहले वो मेरे निर्देशक रहे हैं, हदगर्दी नाम का शो हमने साथ किया था, और तब भी मैं कुछ 20 साल की थी, तब भी नहीं मतलब तब थी। और सो वो पोजीशन चेंज नहीं हो सकती पूरी लाइफ में, क्योंकि वो सिखाने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं, तो बहुत सीखने मिला ये तो शो। और ये मराठी फिल्म जो बनाई है ना सर, आई थिंक सब वेरी वेल परफॉर्मर है सचिन ने, जो आप देख ही चुके हैं मतलब ट्रेलर में, और एज ए डायरेक्टर, एज ए मुझे मेकर,
इतना सेटिस्फेक्शन है सर, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ माई कैरियर। और तो अभी तक थी 50 के बाद मैंने गिनना भी बंद कर दिया, मोर देन 50 फिल्म हुई है जिसमें हर बड़े एक्टर के साथ काम किया। और इनकी सिंसियरिटी और इनके परफॉर्मेंस जो मराठी फिल्म एक्टरों की देखी है, मैं इन सबको सर बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जजा आप पढ़ते हैं और हमने वो सुबह जी जो थी उसको ऐसे एंजॉय किया। मैं स्क्रिप्ट पढ़ते गया, सचिन जी बैठे थे, शांति से बैठे थे, थोड़ी देर के बाद देखा मैंने, एक घंटा भर हो गया था और सचिन जी की आंखों में पानी था, राइट नहीं? या तो सचिन जी बोले यस इस फिल्म को हम करते हैं, ये फिल्म है जो सीधे दिल को छू गई और मजा आएगा। बट वो मजा आएगा एक वर्ड था, मुझे ठीक दे गया। फिर बात आई गई हो गई, 2 साल निकल गए, कुछ उसके ऊपर कुछ हुआ नहीं। एक दिन ऑल ऑफ सडन बुकड़े साहब का मुझे फोन आया, वो 10 साल पहले भी आया था, 5 साल पहले, 7 साल पहले भी आया था। और बुकड़े साहब फोन करते रहते थे और हम बातें करते रहते, 1-2 साल पहले हमारी मुलाकात भी हुई थी बुकड़े साहब, तो उन्होंने कहा कि हमको एक पिक्चर करनी है। तो जैसे मैं मुंबई आया पहले बुकड़े साहब के पास चला गया और मैंने बोला कि सचिन जी और मेरी ऐसी ऐसी बात हुई थी, और वो खड़े साहब खुश हो गए। सचिन जी वो तो खड़े हो गए, बोले कि सचिन जी तो डार्लिंग है, और वो इतने खुश हो गए। मैंने सचिन जी से बात की और ये पिक्चर शुरू हुई। ये पिक्चर के लिए एक दिन मैं और खड़े साहब रत्नागिरी गए, मेरी मुलाकात उदय साहब और मुकेश जी से हुई। और एक पॉजिटिव वाइब जो डायरेक्टर को आनी चाहिए कि ये यहाँ फिल्म बने। फिल्म क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।